वेलकम टू लास्ट वन विद अंकु। आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन का जो सीरीज हम चला रहे हैं उसके नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जो कि अमाना के सफर से रिलेटेड है। बट वो खिड़की से क्या देखती है, मतलब कि गोवा जाती है, फिर उधर से कर्नाटका, केरल, तो वहाँ पे उसको क्या एनवायरमेंट में चेंजिंग लगता है, वहाँ के खान पान, वहाँ का रहन सहन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा डिस्कशन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गोवा से केरल जाते वक्त रास्ते में कितनी सुरंगे और कितने पुल पड़ते हैं। आपको पता है कि अमाना का जो सफर है वो गुजरात से शुरू होकर केरल तक होता है, तो उसके बीच में जितने भी राज्य आएंगे उसका डिस्कशन तो हमको करना ही पड़ेगा। तो गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 992 सुरंगे और 2000 पुल पड़ते हैं। तो आपका 2000 सुरंगे नहीं है, 2000 पुल है और 92 सुरंगे है। ठीक, चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको पता है हम मैप को बहुत स्पेशली डिस्कस करते हैं ताकि मैप से हम लोगों को अच्छे से याद रहता है। तो ये देखिए हमारा इंडिया का मैप है और यहाँ इतना छोटा सा अपना गोवा है। ठीक, तो अब इसमें देख लेते हैं गोवा कहाँ पे है। तो गोवा यहाँ पे है और गोवा में दो गोवा है, एक तो उत्तरी गोवा और एक दक्षिणी गोवा, मतलब नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। तो ये रहा हमारा गोवा से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं। माँ की बड़ी बहन मतलब मौसी हो गई, हम लोग तो मौसी कहते हैं, लेकिन मलयालम कहाँ की भाषा बोली जाती है, केरल में। केरल में जो आपको आपकी जो भाषा है वो मलयालम होती है, तो हम मौसी को वहां पे कहते हैं वली अम्मा। क्या कहते हैं, वली अम्मा। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मलयालम में माँ की माँ को अर्थात नानी को क्या कहते हैं। तो नानी को कहते हैं अमुम्मा। ठीक, ये रहा हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मडगांव किस राज्य में स्थित है। तो मडगांव आपका गोवा में स्थित है, ये तो फैक्ट वाला क्वेश्चन रहा। और गोवा में लाल मिट्टी का जो क्या अधिकता है वो ज्यादा पाई जाती है और वहां पे लाल मिट्टी की बहुलता ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा वहां पे मिलती है, तो ये वहां का स्पेसिफिक एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए वहां पे इस तरह के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ बनाए जाते हैं, देखिए मुखौटा की तरह अच्छा लग रहा है। और ये देखिए लाल मिट्टी ऐसी ही दिखती है, रेड सैंड। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए मडगांव देख रहे हैं ना, ये देखिए बीच, मडगांव का बीच कितना खूबसूरत है ना, गोवा का बीच कह सकते हैं, अपने गाना वाना भी तो सुना होगा, बहुत फेमस है। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट, दक्षिण भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमने तो बता ही दिया कि मलयालम जो कि केरल में बोली जाती है, कोकड़ी, मराठी, कन्नड़, गुजराती, ये जो भाषाएं हैं ये दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। देख लेते हैं कहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती है। जैसे आपको पता है कि गुजराती से पता ही चल रहा है कि क्या गुजरात में बोली जाती है, तो मैंने एक बहुत अच्छा एक टेबल लिया है वो देखते हैं। ये देखिए आपका बहुत अच्छा लगता है मैप से पढ़ना, मतलब आप ऐसा ही मैप, ये लैंग्वेज से रिलेटेड मैप है, आप ऐसा ही मैप अगर आप रखते हो कितना अच्छा रहेगा। आपको एक तो स्टेट का लोकेशन भी पता चलेगा कि कहाँ पे है और कौन सा लैंग्वेज है, तो इससे बहुत इजी रहता है। देखिए जैसे केरला में मलयालम बोला जाता है, इधर देख रहे हैं ना, केरला में मलयालम, कन्नड़ था दक्षिण भारत में, ये देखिए कर्नाटका से कन्नड़, कितना इजी है याद करना भी, के से कर्नाटका, के से कन्नड़। और गोवा में कोंकणी बोला जाता है, कोंकणी। ठीक, और इसके साथ महाराष्ट्र में मराठी और इधर देखिए गुजरात में गुजराती, ये हो गया ना, बहुत अच्छा लगता है। और इधर ये आंध्र प्रदेश में देख लीजिए तेलुगु बोला जाता है, तेलुगु मूवी, और तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। ऐसे ही हमारे देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बिहारी बोला जाता है बिहार में, देख रहे हैं ना, और उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। तो अगर आप मैप के थ्रू याद करते हो ना, तो ये जो मैप्स का स्ट्रक्चर है जो आपके दिमाग में बैठ जाता है तो बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। तो प्लीज मेरा ये एक रिक्वेस्ट भी है
कि आप प्लीज मैप के थ्रू कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो लंबे टाइम तक रहेगा। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन था, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, गोवा में कोंकणी, कर्नाटका में कन्नड़ और केरला में मलयालम, ऐसा मतलब वहां की भाषाएं हैं, वहां के जो लोग रहते हैं वो ऐसी भाषा में बात करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए हमने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में मेजर मेजर स्पोकन मतलब ज्यादा क्या बोली जाती है, कश्मीरी। इसके साथ साथ और भी भाषाएं बोली जाती है जैसे डोगरी और हिंदी, ये देख रहे हैं ना, सॉरी इधर, हाँ ये इसी तरह लद्दाख में सबसे ज्यादा लद्दाखी बोली जाती है, लेकिन उसके साथ साथ लद्दाख आपको पता है तिब्बत के साइड में है, तो तिब्बतन, उर्दू और बाल्टी, ऐसे करके बहुत सारे लैंग्वेज है। अगर आप पीडीएफ देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने यहाँ सब बात तो कर ही ली है। ठीक, चलिए अब देखते हैं ना, ये भी हो गया, हमने जो बात किया था मलयालम, ये देख रहे हैं लक्षद्वीप पे, देख रहे हैं लक्षद्वीप पे भी मलयालम बोला जाता है, केरला में भी मलयालम बोला जाता है, इसके साथ कोई अन्य भाषा नहीं बोली जाती, हिंदी हिंदी नहीं बोला जाता। तो जैसे साउथ इंडिया में जाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कम्युनिकेट करने में, लेकिन हाँ ज्यादा नेचर देखेंगे, ज्यादा नेचर देखेंगे तो हम खुद को भी तो एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ये रही बात, और पांडुचेरी में भी तमिल बोला जाता है, तमिलनाडु में भी तमिल बोला जाता है, देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा है। चलिए ये रहा आपका एक बहुत अच्छा टेबल। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि छेड़ गुड़ू हू तू तू हा डू डू छू किट किट कबड्डी कबड्डी आदि आवाजें निकल जाती हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग कबड्डी कबड्डी में, जहां हम लोगों के यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में या और भी कहीं पे और बिहार वगैरह में भी कबड्डी कबड्डी यूज करते हैं कबड्डी खेलते वक्त, लेकिन और भी जगह पे इसे छेड़ गुगु हु तू तू हा डू डू, मतलब हर जगह का अपना अपना एक तरीका होता है गेम खेलने का। गेम का नियम तो वही रहेगा, लेकिन उसका जो बोल बोल के करते हैं ना, खेलते हैं, उसके लिए उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग रहेगा। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे मेल प्लेयर्स है और यहाँ पे फीमेल है, तो आजकल तो सारे गेम में सबका पार्टिसिपेशन है, जेंडर बायस की कोई ऐसी बात नहीं है, हर जगह औरतें और आदमी मिल के साथ समाज को चला रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने दोनों पिक्चर लगा रखा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया, तो हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इससे अच्छे से डिटेक्ट कर पाएंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज का क्या है, क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहले तो आप हाईलाइट कर लीजिए कि आपसे पूछा क्या है असत्य। हमारा पहला ऑप्शन है कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में, रेल के रास्ते की बात हो रही है, 92 सुरंगे और 2000 पुल होते हैं, क्या ये सही है। दूसरा है छू किटकिट, यहाँ पे छू किटकिट का उच्चारण करके हम कबड्डी कबड्डी गेम खेल सकते हैं, गेम मतलब हाँ गेम खेल सकते हैं। और तीसरा है दक्षिण भारत में मलयालम, कोकड़ी, मराठी, कन्नड़, गुजराती भाषाएं बोली जाती हैं, क्या ये ऑप्शन सही है। या हमारा लास्ट है कि केरला राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, केरला में कन्नड़, क्या ये सही है। तो आपने तो अब तक पता लगा ही लिया होगा, तो चलिए हम बता देते हैं इसमें, आपके जो केरला राज्य में है कन्नड़ नहीं बोला जाता है, यहाँ पे आपका बोला जाता है मलयालम, तो ये हमारा रहा मिस्टेक और ये ऑप्शन रहा हमारा गलत मतलब असत्य। दक्षिण भारत में मलयालम, मलयालम आपका केरला में बोला जाता है, कोकड़ी गोवा में बोला जाता है, मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है, कन्नड़ कर्नाटका में बोला जाता है, गुजराती गुजरात में बोला जाता है। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। और ऑप्शन हाँ ये वाला भी देख लेते हैं, गोवा से केरल के रास्ते में रेल के रास्ते में, आप ये ध्यान दीजिएगा कि रेल के रास्ते में 92 सुरंगे और 2000 पुल हैं, ये तो ऑप्शन सही है। तो हमारा ये भी सही था, और छू किट किट का उच्चारण करके हम कबड्डी गेम खेल सकते हैं, और हमारा ये वाला ऑप्शन तो हमने डिस्कस ही कर लिया। तो रहा ये आज का क्वेश्चन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग चैप्टर के साथ, एक अलग डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल लैश लर्न विथ अंकू को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।